हम ले चलते हैं आपको मोमो बनाने की जगह। बारिश 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 बारिश, उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, भगवान जी होते हैं वो गुन्नो। अगर यहाँ से पानी नहीं आएगा तो हम यहाँ पे मोमो बनाएंगे, वरना सब्जी बना के खाएंगे, वरना इसकी सब्जी बना के खाएंगे। सही। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। मैंने आपसे बहुत टाइम से वादा किया था और ये पेंडिंग पड़ा था कि मैं मोमो चैलेंज के पीछे का बिहाइंड द सीन ब्लॉग लेके आऊँगी। आज हाजिर हूँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये देखिए, ये मोमोज के लिए आटा लगाया जा रहा है, मैदा। वैष्णवी और पापा डो तैयार कर रहे हैं मोमोज के लिए। तब तक मैंने स्टफिंग की सब्जियां तैयार कर दी थी और तो ये उसे मसाला बना रहे हैं, और दूसरी कढ़ाई ना मैगी बनाने के लिए रखी हुई है। हम ले चलते हैं आपको मोमो बनाने की जगह। बारिश 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 बारिश। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। हम कर रहे हैं मोमो बनाने की तैयारी। मोमो बनाने वाले हैं, फिर हम मोमो चैलेंज रखने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ हो रही है आग जलाने की तैयारी, मतलब आग जलाई जा रही है। एक्चुअली आग जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी गीली है ना बारिश के कारण, तो इसे टाइम लगेगा। और ये आग जलाने के लिए छूना कहते हैं इसे, और पिथौरागढ़ की पहाड़ी लैंग्वेज में इसे छूला कहते हैं। जो भी है, यही है आग जलाने का साधन एकमात्र, तो इससे आग जलाने की कोशिश की जा रही है। जल जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चंपावत का छूना और पिथौरागढ़ का छूला, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर एक प्रकार का ईंधन है ये, एक प्रकार की लकड़ी ही है जिसमें तेल पाया जाता है और जो आग को पकड़ लेता है, जिसमें जल्दी आग पकड़ लेती है, उसके सारे से सारी लकड़ी को जलाया जाता है। हार्दिक नीचे आ, उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, भगवान जी होते हैं वो। बचपन में हमें बताया जाता था कि जो चूल्हे के आसपास का ऊंची जगह होती है ना, इस पे उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, नहीं बैठते हैं, क्योंकि इसमें भगवान जी का वास होता है। और इसे यहाँ तो चंपावत की पहाड़ी में इसे अटौली कहते हैं, और पिथौरागढ़ का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद दिलकन कहते हैं इसे। अगर मैं सही हूँ और आप उत्तराखंडी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, पर ठीक है, कुछ चीजें पुरानी चीजें हैं, हम हमारे अच्छी के लिए बनाई हुई है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। फाइनली आग जल चुकी है इन लोगों की, देखिए आप बन पाएंगे हमारे मोमो शायद। हाँ, अभी यहाँ पे पानी भी निकलता है, ऊपर से पानी भी आता है यहाँ पे। अगर यहाँ से पानी नहीं आएगा तो हम यहाँ पे मोमो बनाएंगे, वरना इसकी सब्जी बना के खाएंगे। सही बात है, जो तैयार करके है ना आटे की, जो आटा गुदा है उसकी मटरी बना देंगे या फिर कुछ भी बना देंगे, और जो ये हमने स्टफिंग तैयार की है उसकी सब्जी बना के खाएंगे। देखिए आप भी, चलिए देखते हैं क्या बनता है, मोमो बनते हैं या फिर सब्जी बनती है। ये देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, हमारा जुगाड़ ये उठा दो, जो छन्नी उठा दो, उठाओ तो एक बार उठाओ। ये पहले हमने स्टैंड लगा रखा कढ़ाई में, लोही कढ़ाई में रखो, अब उसे छन्नी रखो, ये छन्नी, और उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे, ये स्टीम हो जाएंगे थोड़ी देर में। क्योंकि फ्यूल है हमारे पास, इसमें कोई गैस का झंझट नहीं, कुछ नहीं। देखिए आग जलते रहेगी, बनते रहेंगे। मोमो टेस्ट करने जा रहे हैं, मोमो खाने जा रहे हैं।
जल्दी बन रहे मुझे। मोमो बनाए, काफ़ी अच्छे थे, सभी ने खा भी लिए। और थोड़े से बच्चे हैं जो ठंडे हो चुके हैं, और इतने नहीं है कि वो चैलेंज में हम उसे रख पाएँ, क्योंकि चैलेंज के लिए कम से कम 25-30 मोमो तो चाहिए ही। इसलिए पहले बर्तन फिनिश करते हैं, बर्तन धो लेते हैं, फिर उसके बाद स्टफिंग तैयार करेंगे, और उसके बाद आटा तैयार करेंगे, फिर मोमो बनाने की तैयारी, फिर मोमो बनाएंगे और फिर चैलेंज करेंगे। ये ना हमारा दूसरी बार मोमो बना रहे हैं हम। एक बार तो हमने बनाए और खा भी लिए, सबके लिए हुए, और अब हमें चैलेंज करना है। मोमो चैलेंज के लिए सोच के हमने वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मोमो खत्म हो चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से मोमो का हमने तैयारी कर दी, स्टफिंग तैयार कर दी है, सब कुछ खत्म हो गया था, आटा भी लगा लिया है, और क्या कहते हैं, अब हम इसे दोबारा से मोमो बनाएंगे और फिर हम चैलेंज करेंगे। आज बारिश का मौसम है, आज का दिन मिला है, तो हमने करना ही है। आग कैसे बनाओगे? यहाँ पे आग जलिए ना, आग का धुआं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। इसकी बात की वीडियो चैलेंज, मोमो चैलेंज वाली, तो आप सभी ने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर ले वहाँ से। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ना इतने धीरे से मोमो खा रहे हो, उसका रीजन ये था कि एक तो हमने पहले से मोमो खाए हुए थे, दूसरा ये है ना, घर के मोमो फिर भी हार्ड होता है थोड़ा सा, यानी कि आप कुछ भी कर लो, रेस्टोरेंट से ऐसे तो नहीं हो सकते हैं, बस यही था, और कोई रीजन नहीं था, कोई बनावटी नहीं था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।